नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन है। इस बीच भारत ने रूस और यूक्रेन से राष्ट्रपति से कई बार बात की है। इस मामले में भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई है। रूस यूक्रेन विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सुरक्षा तैयारियों और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल रहे। इराक के उत्तरी शहर इरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर भीषण हमले किए गए और दूतावास को निशाना बनाकर कम से कम 12 मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे इराकी दूतावास को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी दूतावास पर यह हमले ईरान से किए गए हैं। हाल ही में यूपी समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इन 5 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब में तो कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन चुनाव के नतीजों में उसे मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में बिहार कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि कांग्रेस ने देश आजाद कराया था, कांग्रेस ही देश आजाद कराएगी। इस ट्वीट के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहती है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रमोद सावंत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल पीएस पिल्लई से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो प्रमोद सावंत ही गोवा के नए मुख्यमंत्री होंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस बेचैन हो गई है। चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करने के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज होनी थी। इस बैठक में हार के कारणों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस संसदीय रणनीति के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक 10 जनपद बुलाई थी। आज के समय में पैन कार्ड एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। इसके बिना कोई भी वित्तीय लेन देन का काम नहीं हो सकता। इसकी जरूरत हर वित्तीय ट्रांजैक्शन करने और फिर बैंक में खाता खुलवाने के लिए करनी होती है। बैंक से लेकर के ऑफिस तक में इसके बिना आप कोई भी वित्तीय काम नहीं कर सकते। पैन कार्ड बनवाना, अब आधार और सभी जगह लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है। देश का सोने का आयात चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने अप्रैल से फरवरी में 73% बढ़कर 45.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी मिली है। मांग ऊंची रहने की वजह से सोने का आयात बढ़ा है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार को स्टार्टअप्स की राजधानी बनाएंगे। बिहार के युवा अब बिहार में ही आकर स्टार्टअप स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस समेत बिहार में स्टार्टअप और उद्योग की स्थापना के लिए शानदार इकोसिस्टम बनाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं और इसमें बहुत जल्द अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिल्ली, लखनऊ, पटना, रांची, भोपाल समेत कई शहरों में 67 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ये भर्तियां राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है, जो कि आप www.nia.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता ने गोवा में कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा की मदद की है। कंगाली से लाचार पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है। दुनिया भर की नजरों में पाकिस्तान गिरा हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह से ही जिस दिन यूक्रेन पर रूस ने हमला बोला था, उस दिन इमरान खान मॉस्को पहुंचकर जंग का मजा ले रहे थे। पंजाब को 16 मार्च को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह नवांशहर जिले के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में होगा। इधर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और उधर भगवंत मान आक्षण में आ गए हैं। शनिवार को भगवंत मान की तरफ से जो आदेश जारी किए गए, मान के निर्देश पर राज्य सरकार ने कई VVIP और बड़े नेताओं की सरकारी सुरक्षा पर कैंची चला दी है। सरकारी नौकरी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ERP, HR, R&D, स्टोर एंड परचेज एंड फाइनेंस मॉड्यूल्स MLP 203 प्रोजेक्ट के लिए वैज्ञानिक प्रशासनिक सहायक और परियोजना सहायक के रिक्त पदों पर अनुभवी उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। प्रदेश में सत्ता की बागडोर फिर से संभालने की तैयारी में जुटी भाजपा। अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ लेने के साथ ही भाजपा का संकल्प बनेगा यूपी नंबर 1 को पूरा करने में जुट जाएगी भाजपा सरकार। किसानों की कर्ज माफी के फैसले की तरह इस कार्यकाल की पहली बैठक में किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली देने जा रही है। इस वादे को पूरा करने का प्रस्ताव ला सकती है। श्रीलंका और भारत के बीच खेले जा रहे दूसरे पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम 252 रनों पर सिमट गई। श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 92 रनों की पारी खेली। एकमात्र श्रेयस अय्यर ही ऐसे बल्लेबाज रहे जो श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाज का डटकर सामना कर पा रहे थे और उनकी गेंदों पर तेजी से रन बना रहे थे। यही वजह है कि श्रेयस अय्यर ने तेज तर्रार 92 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक छक्का इतना लंबा लगा दिया कि वो स्टेडियम से बाहर जा गिरा, जिसका अब सोशल मीडिया में वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
पूर्व भारतीय विकेटकीपर पार्थिव पटेल का मानना है कि श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में दूसरे टेस्ट की पहली पारी में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जिस तरह आउट हुए उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली शनिवार को 71वें अंतर्राष्ट्रीय शतक का सूखा समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को अपने क्रिकेट मैदान में पति विराट कोहली को चीयर करते हुए तो खूब देखा गया, लेकिन अब अनुष्का खुद भी क्रिकेटर बनने की तैयारी कर रही है। क्रिकेटर बनने के लिए अनुष्का शर्मा दिन रात मैदान में खूब प्रैक्टिस कर रही है और जमकर पसीना बहा रही है। मैदान में प्रैक्टिस करते अनुष्का शर्मा का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोकसभा में पूर्वी दिल्ली में सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नगर निगमों MCD का एकीकरण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार के कारण आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह केंद्र द्वारा नगर निगम के लिए दी गई राशि को रोक रही है। यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस ने अपने पुराने मित्र भारत से मदद की गुहार लगाई है। अमेरिका पश्चिमी देश के प्रतिबंध झेल रहा रूस इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में इन हालातों में मुकाबले के लिए रूस ने भारत से तेल गैस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की अपील की है। विद्युत ने अपनी इस डिनर डेट के लिए ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट को चुना था। उन्होंने व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक हुडी और लूज प्लाजो स्टाइल पैंट पहना था। ये प्लाजो स्टाइल पैंट उनके लुक को डिफरेंट स्टाइल दे रहा था। उनके लुक की तारीफ करते हुए पेपराजी ने क्या लुक है सर आपका ये भी कहा। इस पर एक्टर ने भी उनके कॉम्प्लीमेंट पर हंसते हुए जवाब दिया, कहा ये ड्रेस है मार्शल आर्ट्स वॉरियर मास्टर के कपड़े हैं, जिसके बाद ही उन्हें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। अनुपम खेर स्टारर द कश्मीर फाइल्स ने कमाई के मामले में एक नंबरी पायदान पा लिया है जी। दरअसल इस फिल्म की दूसरे दिन ही धुआंधार कमाई हुई है। बीते शुक्रवार 11 मार्च को अपनी ओपनिंग डे पर 3.55 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 100% से भी ज्यादा मुनाफा किया है। आप सभी को बता दें कि विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स के इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखें तो कहा जा सकता है कि ये फिल्म छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ESIC की आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो भरोसा जताया है वो उस पर 100% खड़े उतरे, इसके बाद नतीजे पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के सामने अपनी मांग रखी है। दरअसल पाकिस्तान ने कहा है कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरी मिसाइल के दुर्घटनावश चलने पर भारत के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो पीएम मोदी से इस घटना को लेकर के जवाब मांग रहा है और इससे संबंधित तथ्यों का सही तरीके से पता लगाने के लिए एक संयुक्त जांच की मांग कर रहा है। आपको बता दें 9 मार्च को भारतीय मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू इलाके के पास गिरी थी। पंजाब विधानसभा के आए नतीजों में जहां आम आदमी पार्टी की चली आंधी में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उड़ गए, वहीं राजनीति में अहम स्थान रखने वाले सुखदेव सिंह ढींसा और उनके पुत्र परमिंदर सिंह ढींसा के राजनीतिक भविष्य को भी ग्रहण लग गया है। ढींसा ने अपना राजसी सफर 1972 में हल्का धनौला से आजाद चुनाव जीतकर शुरू किया था और लगातार 1977, 1980 और 1985 में 4 बार विधायक रहे। होली से पहले केंद्र के 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। सब कुछ ठीक रहा तो होली से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ कई खुशखबरी दे सकती है। दरअसल होली से पहले 16 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में जहां केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, वहीं बहुप्रतीक्षित 18 महीने के बकाए DA एरियर को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। कोरोना की तीसरी लहर भले ही खत्म होने के गगार पर हो और सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही हो, लेकिन खतरा बरकरार है। WHO ने ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस के नए रूप से फिर से दस्तक देने की आशंका जताई है। हालांकि नया स्ट्रेन कब सक्रिय होगा इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बड़ा ऐलान किया। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा चुनाव के लिए आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया है। साथ ही ममता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और गायक बाबुल सुप्रियो को विधानसभा उपचुनाव के लिए बालीगंज से उम्मीदवार बनाया है। बड़ी बात यह है कि बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद आसनसोल सीट खाली हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को एक ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर कर यूक्रेन के लिए सैन्य शिक्षण और प्रशिक्षण सहित रक्षा सामग्री और सेवा में अतिरिक्त $20 करोड़ देने का निर्देश दिया। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पूर्वा वर्धमान और चंपारण सहित विभिन्न जोन के लिए प्यून भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट PNBIndia.in पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें आवेदन चयन और भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां दर्ज है। उम्मीदवारों को दिए गए आवेदन फॉर्म को भरकर लास्ट डेट से पहले आवेदन दर्ज करना होगा।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है धनु कुमार, सभा सफर बिहार, रघुनाथ प्रसाद, दीपेंद्र कुमार, कृष्ण दुबे, मृत्युंजय कुमार, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, विपिन कुमार यादव, दीपेंद्र कुमार, ओमकार सिंह, विजय घायल, मोनूराग, जितेंद्र ठाकुर, जनार्दन सिंह और संतोष कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून सफल हुई है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।